ग्राम पंचायत गुड़ से सरपंच हूँ। अरे वाह, तो मैं पूरा 12 मेरा पंचायत है, सभी ग्रामवासी आए हमको, क्योंकि हमारा दर्द है तो यहाँ के लोग बहुत परेशानी है, जो हमारे भाई लोग लाल पानी से कितने जन कितने पीड़ित खत्म हो गए, इसी को सुन के अपन आए। तो हम इसलिए आए कि हमारा जो भी मुद्दा है हमको होना चाहिए, और जो भी सरकार को सोचना चाहिए कि हम इतना 3 दिन से यहाँ पे, 5 तारीख को हम लोग निकले हैं, 2 रात तो आधा रास्ता में हुआ है, इसलिए हम लोग ना हमारा जो है जो जिस मुद्दा के लिए आए वो एकदम हमको होना चाहिए। और ये 13 नंबर पहाड़ को हम नहीं देंगे, सुने नहीं देंगे, और उनको ना सीधा भगा देंगे, जो जो कंपनी जो लगाने के लिए हो रहा है अडवानी को, तो हम सीधा यहाँ से सीधा ही भगा देंगे, इसलिए हम ना लड़ने आए, और हमारा लड़ाई तो अभी जारी है, इसलिए अगर कल तक भी अगर सुनवाई नहीं होगा और कोई मंत्री नहीं आएगा तो हम सीधा बच्चलिका पिकदन को जाने नहीं देंगे, सीधा दंतेवाड़ा जो कलेक्टर ऑफिस है ना वहाँ पे सीधा बैठेंगे, कोई बस नहीं जाएगी ना कोई वो नहीं, पूरा गाड़ी बंद रहेगा, और कोई एक ही गाड़ी जाएगी वो भी इमरजेंसी 108 ही गाड़ी जाएगी, उसके बाद ना कोई गाड़ी नहीं जाएगी। हमारा इतना परेशानी हो रहा है, ये परेशानी को कोई समझ नहीं पाते, तो अभी जो भी आते हैं वो गाड़ी में आते हैं, हम इतना किसी को पानी नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को सोने के लिए अब आज पानी गिर रहा है, आज पानी से हम कितना परेशान हो गए हैं, तो उस इसी के लिए हम ना बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमको जल्दी होना चाहिए और जल्दी ये मिलना चाहिए, जो लिखित में देगा तभी हम जाएंगे, कागज बिना नहीं जाएंगे। हमारा मकसद यही है कि इसीलिए लड़ने आए कि हमारा वो 13 नंबर वाला प्लान को नहीं देंगे, हमारा जमीन मुख्य देवता वहीं पे है, हम उसी को लेके हम जो भी कार्य जो करते हैं, जो बड़े लोग भी है आजकल जो क्या देवी देवता जो वो करते हैं, उसी वजह से हम उसका नाम लेके हम करते हैं, इसलिए हम पेड़ लगाने के बाद फल नहीं मिलने से क्या मतलब, इसलिए नहीं जाएंगे, भले भूखे रहेंगे लेकिन नहीं जाएंगे, बस मेरे।